हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू अ न्यू टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 5। आज का टॉपिक होगा फूड एंड पर्सनल हाइजीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज क्लीनलेस फिजिकल एक्सरसाइज रेस्ट एंड स्लीप आर पार्ट ऑफ क्लीनलेस physical exercise, rest and sleep are a part of. This is a very easy question. Option A is hygiene, option B is social hygiene, option C is personal hygiene, or option D is none of the above. So the correct answer is personal hygiene. These all are a part of personal hygiene. Moving towards question number 2, which one of the following is not a bacterial disease? हमेशा question पढ़ते हुए ध्यान रखना है कि ये जो not, no वाले वर्ड्स होते हैं इनको आप क्वेश्चन पढ़ते ही अंडरलाइन कर दें ताकि ये आपके माइंड से स्किप ना हो, ठीक है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। सो द ऑप्शन ए इज एड्स, ऑप्शन बी इज डेंगू, ऑप्शन सी इज मीजल्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो एड्स इज अ वायरल डिजीज जो कि होती है HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेंगू इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, ठीक, जो कि जिसका कैरियर होता है मॉस्किटो। एंड मीजल इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ही बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ऑल दीज आर वायरल डिजीज। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल वर्किंग इन फूड प्रोसेसिंग जोन हेयर्स शुड बी कवर्ड विद। जब भी फूड प्रोसेसिंग या फूड मेकिंग इंडस्ट्रीज में, रेस्टोरेंट्स में, किचन एरिया में जब काम करना होता है तो हेयर्स को कवर रखना जाता है। इट कम्स अंडर द फूड हाइजीन प्रैक्टिसेस। क्यों? ताकि जो लूजन हेयर्स हैं वो खाने में ना घिरें और उसे कंटेमिनेट ना करें। तो किन चीज़ों का यूज किया जाता है फॉर कवरिंग द हेयर्स? सो ऑप्शन ए इज हेयर नेट, ऑप्शन बी इज स्कार्फ, ऑप्शन सी इज पेपर नेट और ऑप्शन डी इज एनी ऑफ द अबव। तो देखिए, यूज तो इन सब में से किसी को भी किया जा सकता है, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, बट मोस्टली जो रेकमेंडेड है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में यूज करने के लिए दैट इज हेयर नेट, ठीक। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहां हेयर नेट मेंशन होगा तो आप हेयर नेट को मार्क करेंगे। अगर ऑल ऑफ एनी ऑफ द अबव है तो यू विल मार्क एनी ऑफ द अबव। अगर एनी की जगह ऑल होता ना देन विल मार्क डी। अब इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? दैट इज हेयर नेट। तो हमारा आंसर रहेगा ए, ठीक। अगर यहां ऑल ऑफ द अबव होता तो वी हैव मार्क ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन 4 इज इन अ प्लेस, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन अ प्लेस ऑफ वर्क द बेस्ट वे टू ड्राई योर हैंड्स आफ्टर वॉशिंग देम। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में फूड हाइजीन के क्राइटेरिया से आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इज यूज अ कॉटन टॉल, ऑप्शन बी इज यूज एयर ड्रायर, ऑप्शन सी इज जस्ट शेक एक्सेस वाटर अवे और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, ड्राई करने की जरूरत ही नहीं। सो देखिए, टॉल को नहीं करेक्ट वे माना जाता बिकॉज टॉल मल्टीपल पर्सन से यूज किया जाता है, देयर इज चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेस्ट वे क्या होता है? एयर ड्राई, क्योंकि वहां पे मिनिमल कॉन्टैक्ट है। तो बेस्ट वे जो हाइजीन का होता है जिसमें कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज किया जाए, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यूज ऑफ एयर ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 5 इज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या है? ऑप्शन ए इज वाटर प्रेजेंट इन पॉट, ऑप्शन बी इज वाटर टेकन फ्रॉम रिजर्वायर, ऑप्शन सी इज वाटर विच इज सेफ क्लीन एंड होलसम एंड ऑप्शन डी इज वाटर पास थ्रू मसलिन क्लोथ। तो इनमें से व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर पोर्टेबल वाटर? तो पोर्टेबल वाटर क्या होता है? वो पानी जो पीने के लिए करेक्ट हो, विच इज हेल्दी, विच इज होलसम एंड विच इज सेफ। सो द करेक्ट आंसर इज वाटर विच इज सेफ क्लीन एंड होलसम, ऑप्शन सी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई इन द फूड इज ड्यू टू। खाने में जो ई कोलाई बैक्टीरिया का प्रेजेंस है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए इज इम्प्रॉपरली वॉश्ड वेजिटेबल। ये जो है इट इज द मेन कॉज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। खाना खाने से, कंटेमिनेटेड फूड को कंज्यूम करने से जो डिजीज होती है, जो इलनेस होती है, उसका जो मेन यू कैन से कल्प्रिट यू कैन से और मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ई कोलाई।
तो क्यों वो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, बाय विच प्रैक्टिसेस, बिकॉज ऑफ विच प्रैक्टिसेस. ऑप्शन ए इज इम्प्रॉपरली वॉश्ड वेजिटेबल, ऑप्शन बी इज ओवर प्रोसेस्ड फूड, ऑप्शन सी इज अनपोटेबल वाटर यूज्ड इन प्रोसेसिंग, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर विल बी ई कोलाई जो है दैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन द वॉटर, कंटेमिनेटेड वाटर. और जब आप कंटेमिनेटेड वाटर को, पोटेबल वाटर को, यानी कि जो सेफ है, होलसम है, हेल्दी है, उसे यूज ना करके कंटेमिनेटेड वाटर को फॉर द फूड प्रिपरेशन यूज करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ई कोलाई फूड के अंदर एंटर हो जाता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अनपोटेबल वाटर यूज इन प्रोसेसिंग. सो हमारी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, दैट इज़ द मंजिल भारत वेबसाइट, उसमें JKSSB कॉन्स्टेबल का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जो बच्चे भी उस कोर्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, दे कैन गो टू अवर वेबसाइट एंड चेक आउट अवर कोर्स. वहाँ पंखिल सर के मैथ्स के कोर्सेज जो लेक्चर्स हैं, दे आर अपलोडिंग ऑन द डेली बेसिस, तो आप जाके वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं. सो मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैंड वॉशिंग इन प्रिवेंटिंग डिजीज. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन जो आप बहुत आसानी से मार्क कर सकते हैं. दैट इज ऑप्शन ए इज एस्थेटिक अपील, ऑप्शन बी इज कल्चरल ट्रेडिशन, ऑप्शन सी इज डिजीज प्रिवेंशन, एंड ऑप्शन डी इज सोशल एटिकेट्स. देखिए जब भी एग्जाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी कैटेगरी के भी होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी को आते हैं. आप उन क्वेश्चन को एटलीस्ट गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते. कुछ होते हैं मीडियम लेवल के और कुछ होते हैं हार्ड जो सभी के लिए होते हैं, बट इजी वाले भी अगर आपने गलत कर दिए तो आप रेस से पहले ही आउट हो जाएंगे. तो जो इजी वाले हैं वो तो आप एट एनी कॉस्ट गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते. तो आप ये ना सोचिए कि हर ही हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम में. ठीक है, आप पुराने क्वेश्चंस चेकआउट कर सकते हैं, JKSSB ने अभी तक जितने भी कंडक्ट किए एग्जाम वहाँ उनके क्वेश्चन पेपर्स आप चेक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें ईजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो एटलीस्ट वो तो आपको आने ही चाहिए. ठीक है, अगर आपने वही गलत कर दिए तो रेस से पहले ही, कट ऑफ से पहले ही आउट हो जाएंगे. सो क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए इज एस्थेटिक अपील, ऑप्शन बी इज कल्चरल ट्रेडिशन, ऑप्शन सी इज डिजीज प्रिवेंशन, एंड ऑप्शन डी इज सोशल एटिकेट. तो इजी क्वेश्चन है, आंसर विल बी हैंड वॉशिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? डिजीज प्रिवेंशन. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज. वेक्टर क्या होता है? जो डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड करने में हेल्प करता है. तो इनमें से कौन सी डिजीज है जो वेक्टर की वजह से होती है, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट होती है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर. सो ऑप्शन ए इज डायबिटीज, ऑप्शन बी इज मलेरिया, ऑप्शन सी इज हाइपरटेंशन, एंड ऑप्शन डी इज एस्थमा. सो देखिए इनमें से एक ही कॉम्युनिकेबल डिजीज है, एंड दैट इज डायबिटीज नॉन कॉम्युनिकेबल है. ठीक, हाइपरटेंशन भी नॉन कॉम्युनिकेबल है, एस्थमा भी नॉन कॉम्युनिकेबल है, कॉम्युनिकेबल एक ही है दैट इज मलेरिया, एंड दैट ऑल्सो ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ वैक्टर दैट इज एनोफिलस मॉस्किटो. ठीक है, उसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, एंड इट इज कॉज बाय बिकॉज ऑफ प्लास्मोडियम. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है मलेरिया दैट इज प्लास्मोडियम, और जो वैक्टर है वो है एनोफिलस. ठीक है, फीमेल मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सो मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैंडलिंग फूड ज्वेलरी शुड बी. फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रिपरेशन वाली इंडस्ट्रीज में ज्वेलरीज के रिलेशन में क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं? ऑप्शन ए इज कैप्ट इन गुड रिपेयर, ऑप्शन बी इज वॉर्न ओनली फॉर लो रिस्क जॉब, ऑप्शन सी इज लेफ्ट एट होम और इन योर लॉकर, और ऑप्शन डी इज रिमूव्ड एट पीक टाइम्स. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कि जो लो रिस्क जॉब है, जहां मिनिमल फूड के साथ फूड प्रिपरेशन में या फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्वमेंट है, वहीं पर ज्वेलरीज को वेयर किया जाए. मोस्टली ज्वेलरीज शुड बी अवॉइडेड इन फूड प्रोसेसिंग जोन्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कंप्लेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड टू योर मैनेजर. ठीक है, अगर फूड प्रोसेसिंग जोन में काम कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी बीमारी होने पर आपको मैनेजर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या देर इज नो रिस्क टू द फूड. ऑप्शन ए इज हेडेक, ऑप्शन बी इज डायरिया, ऑप्शन सी इज वॉमिटिंग, ऑप्शन डी इज आई इन्फेक्शन. तो द करेक्ट आंसर इज हेडेक. देखिए हेडेक है तो अगर शेफ को हेडेक है तो फूड में किसी तरह से भी कंटेमिनेशन होने के चांसेस नहीं है, बट वॉमिटिंग, आई इन्फेक्शन, डायरिया, ये सभी डिजीज होने पर मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बार बार डायरिया है तो इन्फेक्शन है, हैंड में
कंटेमिनेशन हो सकती है, वॉमिटिंग है, देयर इज अ चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन एंड आई इन्फेक्शन में अगर गलती से प्रिपेयर करते वक्त प्रोसेस करते हुए आईज को हाथ लगता है उसकी वजह से कंटेमिनेशन हो सकती है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हेडेक. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिकल मैथड टू कंट्रोल माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड. माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड को प्रिवेंट करने के लिए इनमें से कौन सा मैथड यूज नहीं किया जाता. ऑप्शन ए इज हीट फूड अंटिल पाइपिंग हॉट. ऑप्शन बी इज स्टोरिंग एट 5 डिग्री सेल्सियस और लोअर. ऑप्शन सी इज कवर कट्स एंड सोर्स. एंड ऑप्शन डी इज वियर अ हेयर नेट. तो माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटेमिनेशन को फूड में रोकना, उसको अवॉइड करना. तो उनके लिए इनमें से देखिए हेयर नेट वेयर तो किया जाता है ताकि हेयर उसके अंदर खाने में प्रोसेस करते हुए ना घिरे, उनमें कंटेमिनेशन ना हो. कट्स और वूंड्स को भी कवर किया जाता है क्योंकि वूंड्स और कट्स जो है मोस्ट यू कैन से कि वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन के और वहां से ट्रांसमिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. लो टेम्परेचर पे इसीलिए स्टोर किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो लोअर टेम्परेचर पर मिनिमल होती है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. ठीक है, उनको बॉइलिंग हॉट तक के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल हजार को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रैक्टिस यूज नहीं की जाती. एट वट टेम्परेचर डू पैथोजन बेस्ट थ्राइव. किस टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है दैट इज मैक्सिमम. एट 37 दीज ऑल आर इन डिग्री सेल्सियस. सो एट 37 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 75 और 100. तो द करेक्ट आंसर विल बी 50. सो द मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है उसकी दैट इज एट 50 डिग्री सेल्सियस. सो एनवायरमेंट हेल्थ प्रैक्टिशनर एनफोर्स फूड हाइजीन रेगुलेशन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डू दे नॉट हैव. फर्स्ट इज द पावर टू अरेस्ट. सेकेंड इज पावर टू क्लोज प्रीमिसेस. थर्ड इज पावर टू एंटर प्रीमिसेस एट एनी रीजनेबल टाइम विदाउट अपॉइंटमेंट. एंड डी इज द पावर टू सीज एंड डिटेन फूड. तो एनवायरमेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो फूड हाइजीन की जो रेगुलेशन देखते हैं, देखते हैं एक पर्टिकुलर फूड आउटलेट में जब चेकिंग के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें प्रॉपरली हेल्थ प्रैक्टिसेस जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है. तो उनसे रिलेटेड उनके पास ऐसी कौन सी इनमें से जो है वो पावर नहीं है. तो वो एंटर कर सकते हैं एट एनी रीजनेबल टाइम विदाउट अपॉइंटमेंट. वो फूड को सीज और डिटेन भी कर सकते हैं बट दे डोंट हैव द पावर टू अरेस्ट. ठीक, ओके. नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर दैट फ्रोजन फूड शुड बी कैप्ट. फ्रोजन फूड जो आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है उसे कौन से टेम्परेचर पे रखा जाता है ताकि वो एक उसका जो स्टैंडर्ड है जो उसकी सुटेबिलिटी है दैट इज मेंटेन्ड. ऑप्शन ए इज 0 डिग्री. ऑप्शन बी इज 15 डिग्री और लोअर. ऑप्शन सी इज -18 डिग्री और लोअर. और ऑप्शन डी इज 0 डिग्री और लोअर. फ्रोजन है वो 0 डिग्री से हमेशा कम पे ही होता है एंड द करेक्ट आंसर इज -18 डिग्री और लोअर. उसके ऊपर एक यू कैन से आइस की लेयर बन गई होती है जिसकी वजह से माइक्रोबियल कंटामिनेशन मिनिमाइज हो जाती है और वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रह सकती है उसकी यू कैन मतलब एडिबल कंडीशन में वो मेंटेन रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर वॉशिंग हैंड्स टू इफेक्टिवली रिमूव जर्म्स. और इट हैज बीन मेंशन बाय WHO. WHO के हिसाब से कितनी देर तक आपको मिनिमली हैंड वॉश करने चाहिए एज अ प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल हाइजीन. ऑप्शन ए इज 5 सेकेंड, बी इज 15 सेकेंड, सी इज 30 सेकेंड एंड डी इज 60 सेकेंड. सो अकॉर्डिंग टू द WHO रेकमेंडेड टाइम इज इट इज 30 सेकेंड. सो कम से कम 30 सेकेंड के लिए हाथ धोने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज क्रॉस कंटेमिनेशन. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. ऑप्शन ए इज कुकिंग डिफरेंट डिशेज एट द सेम टाइम. इनमें से इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है क्रॉस कंटेमिनेशन को शो करता है. ऑप्शन बी इज मिक्सिंग वेरियस इंग्रेडिएंट इन अ रेसिपी. ऑप्शन सी इज द ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन सर्फेस टू अनदर. एंड ऑप्शन डी इज यूजिंग सेम यूटेंसिल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. तो क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब है एक सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रैवल होके दूसरे सरफेस पे जाना, दूसरी सरफेस पे स्प्रेड होना. सो द करेक्ट आंसर विल बी द ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाउ हॉट फूड टू कूल बिफोर रेफ्रिजरेटिंग देम. आपने घरों में देखा होगा कि
फूड प्रोडक्ट्स को फ्रिज में रखने से पहले अगर वो गर्म है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाए. ओनली आफ्टर दैट इट इज कैप्ट इन रेफ्रिजरेटर. तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ऑप्शन ए इज टू सेव एनर्जी, एनर्जी को बचाने के लिए. ऑप्शन बी इज टू प्रिजर्व टेस्ट, उसका टेस्ट मेंटेन रहे इसके लिए. ऑप्शन सी इज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो इसके लिए. और ऑप्शन डी इज टू स्पीड अप द कूलिंग प्रोसेस, ताकि जो कूलिंग प्रोसेस, जो फ्रीजिंग फ्रीजिंग एक्टिविटी है फ्रीजर की, वो थोड़ी फास्ट अप हो जाए. सो क्या रीजन होगा? देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो मैक्सिमम थ्राइव करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. दैट इज इस ये जो टेम्परेचर रहता है रेंज मैक्सिमम, वो 41 टू 50 और 70 तक, यहाँ तक जाता है उनका टेम्परेचर रेंज, जहाँ पे मैक्सिममली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको डेंजर जोन कहा जाता है, डेंजर जोन, ठीक है, मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं. तो जब आप बहुत ज़्यादा गर्म खाना फ्रिज में रख देते हैं तो जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए. इसीलिए गर्म खाने को फ्रिज में रखने से पहले उसे थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने दिया जाता है, ताकि फ्रिज का टेम्परेचर रेज ना हो और फ्रिज में रख के भी खाना खराब ना हो जाए. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस? खानों की वजह से जो डिजीज फैलती है उसका मेन रीजन क्या है? ऑप्शन ए इज ओवर कुकिंग फूड, ऑप्शन बी इज पुअर पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन सी इज इनएडिक्वेट सीजनिंग, एंड ऑप्शन डी इज अंडर कुक्ड फूड. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कॉन्ट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन? गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप इनमें से कौन सी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे? फर्स्ट इज wearing same clothes for multiple days, that is not a good practice for personal hygiene. Option B is showering regularly, it is a good practice. Option C is not using deodorants, this is controversial, you can or cannot. And last is wearing head cover, it is a good personal hygiene practice. So mostly isme se jo aayega, the correct answer will be jo most appropriate hai, that is taking shower रेगुलरली. क्योंकि पर्सनल हाइजीन की बात हो रही है ना, जब फूड इंडस्ट्री में आएगी तो हेयर कवर, हेड कवर पहनना इज गुड, ठीक है. पर्सनल हाइजीन के लिए हेड को कवर करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके लिए जरूरी है डेली शॉवर लेना. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर इज, व्हाट इज द रेकमेंडेड रेंज विद इन विच पेरिशेबल फूड शुड बी कैप्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ? पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं जो बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो कौन से टेम्परेचर पर उनको रखना चाहिए ताकि जो है उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके? सो मार्क योर करेक्ट आंसर. What is the recommended range within which perishable food should be kept to prevent bacterial growth? तो मार्क कीजिए आपका सही आंसर. तो these all are in Fahrenheit. So what will be the correct answer? The correct answer is option A. That is 32 to 40 degree Fahrenheit. सो दैट्स इट. इसी के साथ हमारे यूनिट 5th से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के MCQs खत्म होते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट, उससे रिलेटेड MCQs. टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू.